श्री विनय बिहारी। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, यह सभा राज्य सरकार से विस्ताव करती है कि वह राज्य के 4 लाख संविदा कर्मियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त करावे। माननीय मंत्री सामान्य प्रशासन। महोदय, सरकार की स्पष्ट नीति है कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं यानी नियमित सरकारी सेवक होते हैं और जो संविदा कर्मी होते हैं, दोनों की नियुक्ति प्रक्रिया तथा सेवा शर्तें अलग अलग होती हैं। इसलिए सीधे एक बार में 4 लाख संविदा कर्मी को सरकारी सेवक या सरकारी कर्मी नहीं माना जा सकता है। वैसे जो संविदा कर्मी भी है महोदय, उनके मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए मुख्यमंत्री जी ने अनेक अवसरों पर उनकी सुविधाएं बढ़ाई हैं कि जैसे उनकी पहले कुछ ही दिनों के लिए होती थी, कुछ ही वर्षों के लिए संविदा होती थी, अब उनके सेवानिवृत्ति की आयु तक वो इस संविदा पे रह सकते हैं। और भी उनको ईपीएफ सब की सुविधा, अलग अलग समय पर अनेक सुविधाएं दी गई हैं। खास के जो महिला कर्मी हैं उनको मातृत्व अवकाश से लेकर सारी सुविधा दी जा रही है, लेकिन एक साथ 4 लाख संविदा कर्मी को सरकारी कर्मी बनाने में सरकार को असुविधा है। इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस लें। माननीय मंत्री के विशेष जवाब के आलोक में क्या माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं? मुझे सिर्फ 4 पंक्ति बोलने का अवसर दिया जाए। कविता में बोला। हम उम्र गुजारेंगे कब तक, हम उम्र गुजारेंगे कब तक इस आस में कि तुम आओगी, हम उम्र गुजारेंगे कब तक इस आस में कि तुम आओगी, जब हो जाएंगे हम बूढ़े तब किसका दिल बहलाओगी। क्या माने सर अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं? दो पंक्ति आपके हो गया ना, 4 हो गया। यही आरजू है आपसे कुछ और न कहने वाले हैं, यही आरजू है आपसे कुछ और न कहने वाले हैं, उम्मीद उन्हीं से होती है जो दर्द समझने वाले हैं। मैं अपना संकल्प इस उम्मीद के साथ कि कभी इन 4 लाख कर्मियों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी विचार करेंगे, क्योंकि हम आप